हेलो दोस्तों वेलकम टू जीन सेटर दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी सेटर दोस्तों आज मत करते हैं यूपी टी जी टी बेटी जो बीस चल रही है उसमें मतलब की जी बी सब्जेक्ट को शामिल कर लिया ले गया लेकिन उसका भी संशोधित विज्ञापन नहीं आया उसका विज्ञापन कब तक आएगा वही अगर बात कर ली कंप्यूटर सब्जेक्ट को तो कंप्यूटर सब्जेक्ट को शामिल नहीं किया गया जिसको लेकर छात्रों में बड़ी निराशा है उन्होंने मतलब की आक्रोश जताया उन्होंने बताया कि अन्य में कंप्यूटर सब्जेक्ट को शामिल किया गया लेकिन मतलब यूपी टी जी टी बीच बढ़ती है कंप्यूटर सब्जेक्ट को शामिल नहीं किया गया जिसको लेकर छात्रों ने आज मतलब की सचिव से मुलाकात भी की उस मुलाकात में क्या लेटेस्ट अपडेट लेट करके आए देख लेते हैं ये दोस्तों आज की प्रेस विज्ञप्ति है ठीक तो कंप्यूटर विषय को टीजीटी पीजीटी में शामिल करने के सवाल पर युवा मंच प्रतिनिधिमंडल की माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव से वार्तालाप हुई सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर शासन को लेना निर्णय युवा मंच ने पत्र को उचित कार्रवाई के लिए सचिव ने शासन को भेजने का दिया आश्वासन प्रयागराज सत्रह ग्यारह दो हज़ार बीस कंप्यूटर ठीक तो ये आज की प्रेस विज्ञप्ति है टीजीटी पीजीटी में शामिल करने के सवाल पर आज युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में कंप्यूटर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद से वार्ता हुई वार्ता में सचिव श्री दिव्य कांत शुक्ला ने युवा मंच के मांग को पत्र को शासन को भेजने का आश्वासन देते हुए बताया कि इस संबंध में शासन कोई निर्णय लेना दरअसल शासन के निर्णय के बाद ही राजकीय विद्यालय में एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर सब्जेक्ट को शामिल किया गया था यानी सचिव जी का कहना है कि इस पर मतलब कि शासन को निर्णय लेना जैसे शासन इस पर निर्णय ले लेता है मतलब कि हम इसको भी शामिल कर लेंगे यानी इस इस विषय में शासन को निर्णय लेना होगा उन्होंने आश्वस्त किया है कि शासन की इजाजत से मिलने के बाद हम माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्तर पर कोई अड़चन नहीं आएगी युवा मंच प्रतिनिधिमंडल ने सचिव को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री समेत विभागीय आलाधिकारियों को कई बार पत्रक भेजकर अपील की जा चुकी है लेकिन अभी तक शासन द्वारा कोई इस पर निर्णय नहीं लिया गया है जिसको लेकर कंप्यूटर क्षेत्रों में आक्रोश व्याप्त है प्रतिनिधिमंडल ने शामिल कंप्यूटर के छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर शासन ने इस पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो उन्हें मजबूरन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ेगा और माननीय उच्च न्यायालय में रिट भी की जाएगी यानी अगर इस पर शासन जल्द से निर्णय नहीं लेता तो हम लोग उनको कहना है कि अगर हम इस पर जल्द निर्णय नहीं लिया जाता तो हम लोग मजबूरन धरना के लिए वाद हो जाएंगे और माननीय उच्च न्यायालय में भी रिट दायर करेंगे इस मौके पर युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि दो में से ही कंप्यूटर विषय पाठ्यक्रम में शामिल होने के बाद भी शिक्षक की नियुक्ति न करना यूपी बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों की सरकारी अपेक्षा का जीता जागता उदाहरण लगातार उठाई गई मांग के बाद 19 अक्टूबर 2016 तो को नियमावली में संशोधन संशोधन कर कंप्यूटर शिक्षकों के एलटी व टीजीटी में शामिल कर लिया गया इसी और इसी आधार पर राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई लेकिन सहायता प्राप्त माध्यमिक सहायता प्राप्त स्कूलों के टीजीटी में कंप्यूटर सब्जेक्ट शिक्षक के पदों को सृजित न करने के निर्णय समझ के परे यह बताया कि कंप्यूटर छात्रों को प्रदर्शित इस वर्चुअल मीटिंग में आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी यानी युवा मंच का कहना है कि अगर शासन इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले लेता तो हमको मजबूर की हम उच्च कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा यानी हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा और मजबूरन हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं हम लोग की लोग जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं तो टीजी टी संस्कृति जीव विज्ञान हम लोग जो इसका मतलब की विज्ञापन संस्कृति विज्ञापन वो लगभग तीन चार दिन बाद आने की संभावना यानी लगभग बीस तारीख के बाद आने की संभावना है लगभग बीस तारीख या बीस तारीख के बाद आने की संभावना है विज्ञापन तभी आपके हम लोग की ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएंगे टीजीटी दोस्तों ये कुछ लेटेस्ट अपडेट है तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना नोले थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक